हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को संपूर्ण सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के बोर्ड के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, आज आप सभी को महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्नों को बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न है जो आपके 2024 के बोर्ड के परीक्षा में 100% फ्रेंड्स आने वाले ही प्रश्न हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने आपका पहला नंबर का सवाल है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके बोर्ड के एग्जाम में मानचित्र भरने वाला सवाल होता है, जिसमें आप सभी को 10 नंबर का प्रश्न पूछता है। तो आप सभी को यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपका देखिए पहला सवाल क्या है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप इसको याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पर बना है। ये प्रश्न फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। और इसी वीडियो में से आपको 100% फ्रेंड्स गारंटी देते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में फ्रेंड्स आपको 10 नंबर का जो सवाल पूछने वाला है टोटल आपको इसी में से आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर का है कि कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम बताना है। फ्रेंड्स, कि कहाँ पे आपका कपास उत्पादक होता है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो कपास उत्पादक कहाँ पे होता है? गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बॉक्साइट उत्पाद का एक क्षेत्र का नाम बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए 2020-2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि बॉक्साइट उत्पादक का एक क्षेत्र का नाम। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा ओडिशा जो होता है एक बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आप याद रखिएगा जो बॉक्साइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। किसका फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम का जो होता है बॉक्साइट एक अयस्क है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स है क्या आपका कि हैदराबाद नगर किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हैदराबाद इस समय वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? तेलंगाना में पड़ता है। आपका अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है। ऑप्शन है 2020 में यह प्रश्न आ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो किस राज्य में है, तो असम में। याद रखिए कहाँ पे फ्रेंड्स? असम में। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल आपका क्या है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट आप याद रखिएगा राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? तो ब्यास नदी पर। कहाँ पे है? ब्यास नदी पर। अगला सवाल आपका है कि चाय उत्पादक दो राज्यों का नाम बताना है। फ्रेंड्स, कि कहाँ पे चाय का उत्पादन होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न कितना बार पूछा जा चुका है। 2020 में आया है, 2022 में आया है, 2023 में आया है, और गारंटी देते हैं कि 2024 में भी यही प्रश्न आएगा। ठीक है, देखिए चाय उत्पादक दो राज्य कौन सा है? असम है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है कि लौह इस्पात उद्योग के किसी एक केंद्र का नाम बताना है। कि लौह अयस्क जो लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पे है? याद रखिएगा फ्रेंड्स कहाँ पे? भिलाई में है। ठीक है, कहाँ पे फ्रेंड्स? भिलाई में। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है रांची नगर किस राज्य में, यानी रांची कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो आपको याद होना चाहिए रांची कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, फिर इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखिए आपको क्या अगला सवाल है कि नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, आपको बताना है कि नर्मदा नदी जो बहती है वो कहाँ पे गिरती है। तो आप याद रखिएगा खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरता है। कहाँ पे गिरता है फ्रेंड्स? खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरता है। अगला सवाल फ्रेंड्स आप लिखिएगा, एक नोट्स बुक बना के उसमें जरूर ये सब सवालों को लिखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्या है फ्रेंड्स, नरोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आपका नरोरा जो परमाणु केंद्र है आपके उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो बुलंदशहर में है फ्रेंड्स। इसको भी साथ में याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? बुलंदशहर में। देखिए फ्रेंड्स, ये 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर का सवाल आपका क्या है कि भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए। आपके बहुत पेपर में आता है,
तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, भारत की किस एक बंदर का नाम तो पारादीप है, कौन सा है? पारादीप। ठीक है, अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है, देखिए यहाँ पे क्या है कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम आपको बताना है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा सड़क बनवाया है। तो उस सड़क का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा नाम है फ्रेंड्स? ग्रैंड ट्रंक रोड है। अगला फ्रेंड्स है, उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उत्तर रेलवे के मुख्यालय का नाम याद रखिएगा क्या है? दिल्ली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल है, ये भी देखिए 2020 में 2022 में यह सवाल कितने बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा जो सरदार सरोवर बांध है आपके कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आप सवालों को याद रखिएगा कि काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए, यानी कि काली मिट्टी कहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है वहाँ पे काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा जो गुजरात राज्य है, गुजरात है वहाँ पे भी क्या होता है? काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र है और गुजरात है वहाँ कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। तो इतने पॉइंटों को फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है कि दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? तो एनसीआर, यानी कि इसकी है एनसीआर की है। ठीक है, और यह 2020 में सवाल आ चुका है। आपका अगला नंबर का सवाल है फ्रेंड्स, संगम कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि संगम कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। संगम कहाँ पे फ्रेंड्स? तो प्रयागराज। ठीक है, जो पहले नाम था इलाहाबाद, अब नाम आ गया उसका प्रयागराज। ठीक है, आप सभी इस सवाल से तो अवगत होंगे। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 2022 2023 में कई बार फ्रेंड्स रिपीट हो चुका है। क्या है? राजस्थान की राजधानी का नाम लिखना था आपको। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो उसका राजधानी का नाम है जयपुर। क्या है? राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है फ्रेंड्स? जयपुर में है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका है, सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखना है आपको। किसका लिखना है? जो सदाबहार वन है उसके एक प्रमुख क्षेत्र का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाटी नाम है। क्या नाम है फ्रेंड्स? पश्चिमी घाटी। अगला सवाल फ्रेंड्स आप देखिए क्या है आपका, कि भारत की किसी एक हवाई पत्तन का नाम बताना है फ्रेंड्स। कि भारत में एक हवाई पत्तन कहाँ है, मतलब हवाई जहाज कहाँ पे उतरता है उसी का नाम बताना है। तो कोई भी एक नाम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसको भी साथ में याद रखिएगा। तो भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम क्या है फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दिल्ली में है। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, कितने बार प्रश्न है, बहुत पेपरों में ये पूछा जा चुका है। क्या है? कि दक्षिण भारत की किसी एक नदी का नाम लिखना है। कि दक्षिण भारत जो है उसमें कौन सी नदियां बहती है? तो उसको याद रखिएगा, तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत में आ जाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अगले नंबर के सवालों को देखते हैं। अगला नंबर का सवाल क्या है कि डल झील किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, डल झील कहाँ पे है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगला सवाल है कि राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, किस राज्य में है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है आपके राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे है? तो आपका राजस्थान में है। अगला सवाल फ्रेंड्स देखिए, जितने भी प्रश्न आपको फ्रेंड्स करा रहे हैं ये आपके पिछले साल के पेपर में कई बार रिपीट हो चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है आपका अगला, कि लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि लाल मिट्टी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न आपका, कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम बताना है, तो उसका नाम बता दिए कल्पक्कम। क्या नाम बताएंगे फ्रेंड्स? कल्पक्कम है। ठीक है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है, कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। तो फ्रेंड्स अभी ऊपर प्रश्न बताएं, क्या बताएं? कल्पक्कम। कहां पे बताएंगे? कल्पक्कम। ठीक है, कल्पक्कम। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है फ्रेंड्स? कल्पक्कम। या इसके अलावा तारापुर भी याद रख सकते हैं, तारापुर भी क्या है आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, नरौरा में भी अभी बताएं फ्रेंड्स, नरौरा उत्तर प्रदेश में, इसे भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, कि महाराष्ट्र की राजधानी का नाम लिखिए। बताइए फ्रेंड्स ये कितना सिंपल सवाल है, आप सभी को याद होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई है। 2020 2022 2023 में प्रश्न आ चुका है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स क्या है आपका, कि टेहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है?
ठीक है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो भागीरथी एवं बिलंगना के संगम जो होता है, जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल रही है, वहाँ पर टेहरी बांध बनाया गया है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका क्या है कि दक्षिणी भारत के एक पर्वत का नाम बताना है आपको, ठीक है। दक्षिण में जो पर्वत है उसे एक उसका एक नाम बताना है, तो उसे याद रखिएगा अरावली पर्वत है, ठीक है। आपका अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स है कि सीमेंट उद्योग के एक प्रमुख केंद्र का नाम बताइए, ठीक है, तो उसे याद रखिएगा सतना, ठीक है। अगला सवाल फ्रेंड्स क्या है कि पूर्वी भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम आपको लिखना है। तो भारत के पूरब साइड में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा है, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता याद रखिएगा आप। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि मैग्नीज उत्पादन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का नाम आपको लिखना है कि मैग्नीज उत्पादन कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा झारखंड, और झारखंड की राजधानी कहाँ पे है फ्रेंड्स, रांची, क्या याद रखेंगे, रांची, साथ में याद रखिएगा। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखिए आपका, गुजरात राज्य के राजधानी का नाम लिखना है कि गुजरात का राजधानी कहाँ पे है। जैसे आपसे सवाल पूछा था कि राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, तो जयपुर है, उसी तरह गुजरात की राजधानी कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो गांधीनगर है, ठीक है। इस राजधानी जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछता रहता है, जो देखिए आप कई बार पेपर में कई प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। अगला फ्रेंड्स आपका है कि एक खनिज तेल शोधनशाला केंद्र कहाँ पे है, खनिज तेल शोधनशाला फ्रेंड्स आप याद रखिएगा मथुरा, मथुरा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है आपका कि लौह इस्पात संयंत्र के एक केंद्र का नाम लिखिए, यानी कि लौह इस्पात संयंत्र का नाम कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा विशाखापत्तनम में, कहाँ पे है फ्रेंड्स, लौह इस्पात संयंत्र के एक केंद्र का नाम कहाँ पे है फ्रेंड्स, विशाखापत्तनम। अगला फ्रेंड्स आपका सवाल है कि एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखना है ना, यानी पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, तो आप याद रखिएगा मार्मा गोवा, कहाँ पे है फ्रेंड्स, गोवा में है, उसका नाम याद रखिए मार्मा गोवा। अगला फ्रेंड्स आपका सवाल है देखिए क्या है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी का नाम बताना आपको ना, कि जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है उसका नाम, तो फ्रेंड्स देखिए बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम क्या है, गंगा नदी, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी बता सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है, ये सब कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका क्या है कि चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए, यानी चावल का उत्पादन जो होता है कहाँ कहाँ पे होता है, तो आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है अधिक मात्रा में, छत्तीसगढ़ हुआ और तमिलनाडु, इन जगहों पे क्या होता है आपका चावल उत्पादन होता है। अगला सवाल फ्रेंड्स आपका क्या है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम बताना है, कहाँ पे अधिक वर्षा होता है, ये प्रश्न तो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा, मासिनराम मेघालय में होता है, कहाँ पे फ्रेंड्स, मासिनराम में होता है, वो स्थान है कहाँ पे, मेघालय में। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स आपके सामने है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को याद रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया है सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवालों को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, गोदावरी नदी देश के किस भाग में बहती है, यानी गोदावरी नदी जो है किस भाग में बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण में, भारत के दक्षिणी भाग में क्या होता है, गोदावरी नदी बहता है। लेकिन फ्रेंड्स यही पे आपको प्रश्न पूछ दिया जाएगा, जो गंगा नदी है वो किस क्षेत्र में बहती है, तो आप बताइएगा जो गंगा नदी है उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखना है, यानी कहवा कहाँ पर उत्पादक होता है वही बताना है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कहवा कहाँ पे है, तो आपका कर्नाटक में है, और देखिए 2022-2023 कई पेपर सेट में ये आ चुका है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स क्या है, भारत में जूट उत्पादक किसी एक राज्य का नाम बताना है, तो आप याद रखिएगा जूट का जो उत्पादन होता है फ्रेंड्स कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कोच्ची बंदरगाह किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो कोच्ची बंदरगाह है कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो केरल में, कहाँ पे है, तो कोच्ची बंदरगाह कहाँ पे है फ्रेंड्स, केरल में, ठीक है। फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि अभ्रक उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम लिखना है, कि अभ्रक कहाँ पे उत्पादक होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अभ्रक को उत्पादक जो होता है झारखंड में होता है। फिर इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखिएगा झारखंड के बारे में कि झारखंड की राजधानी कहाँ पे, तो रांची में आप जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न जो बोल रहे हैं, पॉइंट बोल रहे हैं, ये आपके पॉइंट बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, ठीक है, यहाँ पे ताप्ती नदी है फ्रेंड्स, तापी लिखा है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा अरब सागर में।
तो फ्रेंड्स देखिए, अरब सागर में है, आप नर्मदा नदी याद रखिए, तापी नदी याद रखिए, अरब सागर में गिरती है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका क्या है कि कागज उद्योग के एक केंद्र का नाम बताना है कि कागज का उद्योग जो होता है कहाँ पर स्थित है। तो काकीनाडा में याद रखिए, कहाँ पे फ्रेंड्स, काकीनाडा में। अब अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स देखिए क्या है, पंजाब की राजधानी का नाम बताना है। जैसे आपको झारखंड की राजधानी का नाम याद रखना है कि महाराष्ट्र है, अरे सॉरी दोस्तों कहाँ पे रांची है, उसी तरह पंजाब जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में है। और देखिए 2022 में सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स है कि महानदी किस सागर में गिरती है। जो महानदी है फ्रेंड्स कहाँ पे गिरती है, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में आप याद रखिएगा, गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, महानदी आ गया बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी हुआ बंगाल की खाड़ी में, यमुना हो गया कहाँ पर गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ये सभी प्रश्न आप फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स आपका प्रश्न है कांदला बंदरगाह किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स कांदला को याद रखिए कहाँ पे है, कांदला को आप डायरेक्ट याद रखिए कहाँ पे है फ्रेंड्स, गुजरात में। तो कांदला जो बंदरगाह है गुजरात में, और बंदरगाह को और फ्रेंड्स नाम से जानते हैं, पत्तन भी कहते हैं बंदरगाह, क्या कहते हैं, पत्तन, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो हीरा कुंड बांध है वो उस नदी का नाम याद रखिएगा, तो कहाँ पे है, महानदी पर, ठीक है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका है हिमालय पाए जाने वाले किसी एक प्रदेश का नाम बताना है, यानी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रदेश का नाम बताना है। तो याद रखिए क्या है, हिमाचल प्रदेश, हिमालय से आप याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आपका देखिए क्या है कि भारत के सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम लिखना है कि सबसे मतलब सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा असम, कौन से याद रखना है, असम राज्य को याद रखिएगा। यहाँ पे तेल उत्पादक जो है जो राज्य है वो सबसे पुराना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आपका पहला नंबर यहाँ पे सवाल क्या है, इस राज्य के गन्ना उत्पादक क्षेत्र का नाम बताना है। तो गन्ना उत्पादक फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश जो है उसमें गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका, उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ सलाल बांध पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सलाल बांध कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो सलाल बांध के बारे में याद रखिए कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवालों को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, देखिए गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य। तो फ्रेंड्स आप पता होना चाहिए गेहूं सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा फ्रेंड्स आप याद रखिएगा जो गन्ना होता है, ठीक है, यह गन्ना सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में ही होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगला नंबर का सवाल आपका क्या है, कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम बताना है। कॉफी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादक होता है, ये प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कई बार रिपीट हो चुका है, कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, कर्नाटक में होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल है मूंगफली के सबसे बड़े उत्पादक राज्य का नाम बताना है कि मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादक होता है, तो कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, गुजरात में, ठीक है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स आप देखिए क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन किस राज्य में है, नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स आप याद रखिए कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल जो स्टेशन है किस राज्य में है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, उसका नाम लिखना था आपको। तो खनिज तेल जो है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो गुजरात में होता है। कहाँ पे होता है, गुजरात में। तो खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पे होता है, गुजरात में, ठीक है। फ्रेंड्स अगले नंबर के सवालों को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि पश्चिम बंगाल के एक समुद्र पत्तन का नाम लिखना है, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, उस पत्तन का नाम यानी बंदरगाह का नाम लिखना है। क्या है उसका नाम, कोलकाता। क्या है फ्रेंड्स, कोलकाता। और कोलकाता वाला प्रश्न आप ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी ये प्रश्न आया था, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल में एक समुद्र पत्तन का नाम क्या है, तो कोलकाता है। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है कि इस प्रदेश के एक 10 लाखी नगर का नाम बताना है, 10 लाखी। तो फ्रेंड्स यह कहाँ पे है, प्रयागराज, जिसे पहला नाम इलाहाबाद था, अब नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है। अगला नंबर का सवाल फ्रेंड्स क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अगला नंबर का सवाल देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखना है आपको, कि नर्मदा जो नदी है उस पर कौन सी बांध बनी है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका आ गया है, नर्मदा नदी पर कौन सा बना है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अगले नंबर के सवालों के देखते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है कि भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम बताना। तो देखिए फ्रेंड्स, जूट कहाँ पर अधिक मात्रा में होता है, तो पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा कि जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी का याद रखिएगा, तो काफ़ी कहाँ पर उत्पादन होता है, तो आपका होता है गुजरात एवं महाराष्ट्र में। सॉरी दोस्तों, जो काफ़ी नहीं, यहाँ पर आप कपास याद रखिए, कहाँ याद रखना आपको, कपास। कपास कहाँ पे होता है, तो आप याद रखिएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे कि उत्तर भारत की एक नदी का नाम बताना है, कि उत्तर भारत में कौन सी नदी बहती है। तो आप सीधे सीधे याद रखिए, आपका गंगा जो नदी है उत्तर भारत में बहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को यहाँ पे देखिए, याद कीजिएगा कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम, ठीक है, पूर्वी तट पर कौन सा एक पत्तन है, या अर्थात एक बंदरगाह कौन सा है पूर्वी तट पर, ये होता है कांडला। कौन सा है फ्रेंड्स, कांडला। आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम बताना है। देखिए फ्रेंड्स, राजधानी से कई प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गए, हर राज्य की राजधानी आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है फ्रेंड्स, रायपुर। क्या है फ्रेंड्स, रायपुर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट आपके वर्ल्ड लीनियर सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन थे, आपको यहाँ पे हल कराए हैं। इसी प्रकार के प्रत्येक सब्जेक्ट का जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी को कराने वाले हैं। और मानचित्र भी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको मानचित्र ट्रिक से भरना भी आपको सिखाने वाले हैं। तो आप यदि वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।